हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप लोगों का यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है या सेट का एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, पीएचडी आपका कंप्लीट है, अगर मैं एक जनरल बात करूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्कशन हम इसके ऊपर करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते होंगे कि उन्हें क्या करना है, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अपॉर्चुनिटी की वेट करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आती है और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो भाई अपॉर्चुनिटी कई बार ना खुद खींचनी पड़ती है, ग्रैब करनी पड़ती है। तो उसी का ही यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रही हूँ कि आखिर करना क्या है, ठीक है। तो देखो, जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, आपका यूजीसी नेट सेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब तो वो कंपल्सरी हो चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, देखो गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो उसके लिए तो नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज फेस कर सकते हैं, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, जो या तो उनकी जो वेबसाइट्स है, सबसे पहला काम जो है ना वो आपको क्या करना है ना, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए। जिस पर्टिकुलर शहर में आप अपना जॉब सर्च कर रहे हैं ना कॉलेज के लिए, तो उन कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए। कॉलेज की लिस्ट निकालने के बाद में कॉलेज की वेबसाइट्स को चेक कीजिए कि क्या वहां पर अभी करंट में ओपनिंग्स ओपन है या नहीं है। अगर ओपनिंग ओपन्स है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए अपना रिज्यूमे विद कवर लेटर, ठीक है, जिसमें आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप पूरा मेंशन करिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं उनकी फुल डिटेल्स या जो भी चीजें हैं, आपका रिज्यूम एक तरह से आप उसमें अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कई जगहों पर नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, तो उस केस में क्या करें, बट अभी नहीं है, आगे तो आ सकती है, वहां की जो ऑफिशियल मेल आईडीज है उन मेल आईडीज को निकालिए, उन मेल आईडीज पर अपने रिज्यूम्स को अपना कवर लेटर के साथ में पोस्ट कर दीजिए, मतलब अपना मेल कर दीजिए। तो इस तरह से मतलब हैंड टू हैंड जाने वाला अब जमाना नहीं रहा है, आप मेल कीजिए। आप वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहां का अगर मेल आईडी है तो उस पर कीजिए। तो डेफिनेटली मान के चलिए कि अगर वहां पर ओपनिंग्स निकलती हैं तो आपके पास कॉल जरूर आएगा और आप अपना जो कवर लेटर है उस कवर लेटर में अपना छोटा सा इंट्रो जो है उसको जरूर मेंशन कर दीजिए, जो आप मेल पर लिखते हैं कि लाइक आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, है ना, वो सारा कुछ जरूर मेंशन कर दीजिए, जिससे कि आपकी सब्जेक्ट लाइन को देखकर ही आप सामने वाला समझ जाए कि ये मेल जो है वो किस रिगार्डिंग आया है और किस पर्पज से आया है और हमें इसको चूज करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को करना है, इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और मेरा मानना है कि लाइक अगर अभी स्टार्टिंग में आप अगर सभी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, चाहे छोटा प्राइवेट कॉलेज हो चाहे बड़ा प्राइवेट कॉलेज हो, कहीं ना कहीं से आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना तो जरूरी है ही है। आप अगर ये सोचो कि टॉप मोस्ट कॉलेज में डायरेक्टली आपको एडमिशन लाइक आपका पोस्टिंग हो जाए तो दैट इज अ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग किसी छोटे कॉलेज से हो रही है अभी, तो उसके लिए भी डिनाई मत करिए। आप जाइए, अप्लाई करिए, उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इंटरव्यू कैसे फेस करना है वो आपको हो जाएगा, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट नॉलेज भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीजें जब डेवलप होंगी तो सीधा सीधा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत जल्दी आ जाएंगी। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर्सन को सीनियर्स कॉलेजेस में लाइक ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसलिए एक्सपीरियंस के लिए आप आसानी से कॉलेज जो है उसको ज्वाइन कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो इसलिए इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका क्लियर है तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।